इंग्लिश के लिए अगला स्ट्रक्चर है, इट हैज बीन टाइम टू ऑब्जेक्टिव केस पर में आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। तो यहाँ पर सेंटेंस रहेगा कोई समय हो गया है, तो जैसे पहला समझाने के लिए लिखा हुआ है सेंटेंस, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते एक घंटा हो गया है, तो जैसे कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर में लिखा था तो इट हैज बीन कितना हुआ एक घंटा, तो एक घंटा का हमने क्या लिख दिया एन आवर, किसे हो गया तुम्हें, तो तुम्हें के लिए टू यू, क्या करते करते भाई पढ़ाते पढ़ाते, तो पढ़ाते पढ़ाते के लिए क्या आया टीचिंग, क्या आ गया टीचिंग। जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, वर्ब में जो आईएनजी लग रहा है कोई भी एक्टिविटी करते करते होते होते हो गया तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस है, हमें अंग्रेजी सीखते सीखते 3 महीने हो गए हैं, तो इट हैज बीन कितने महीने हुए 3, तो 3 मंथ्स, किसे हमें, तो 2 आवर्स, सीखते सीखते लर्न क्या अंग्रेजी। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनको आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, इसमें उसे पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए हैं और उन्हें खाना पकाते पकाते 5 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के लिए हम, उन्हें के लिए देम, पकाते पकाते के लिए कुकिंग लिखोगे, पढ़ते पढ़ते के लिए रीडिंग लिखेंगे, बाकी आपको सेम है। तो आप प्लीज माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जवाब जल्दी से जल्दी दें। देखते हैं आप।